ओ भाई गॉड, अरे वाह। सो गाइस, वी आर इन फतेह सागर लेक पे, और फतेह सागर लेक मतलब बहुत ही बड़ी लेक है। तो अभी चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शॉर्ट फतेह सागर लेक के। और चाय बहुत पी ली है, कॉफ़ी बहुत पी ली है, बट दिल कर रहा है कि दोबारा कुछ खाया जाए यहाँ पर। अभी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा भी टाइम नहीं लगाएंगे। बट यार व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि मौसम बहुत ही शानदार है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ये छोटी सी लेक है और मैं आपको दिखाऊँ तो आप तो पीछे से देखेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग है इस लेक की और पीछे तक बहुत दूर तक है। तो इसके कुछ शॉर्ट मैंने लिए हैं, वो आप इसको एंजॉय कीजिए और फिर मिलते हैं। और सच्ची बता रहा हूँ यार, मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इस टाइप से ये होने वाला। और अभी जो है मतलब ये जितना भी मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लास्ट टाइम जब मैं आया था उदयपुर तो इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था, सिर्फ पिचोला लेक हमने देखी थी। और इस बार मतलब सारा क्रेडिट जाता है लविश को, क्योंकि वो सब जगह घुमा रहा है। मतलब जो चीज़ें मैंने माइंड में भी नहीं थी वो चीज़ें लविश मुझे दिखा रहा है। तो थैंक यू लविश, और आई होप कि ये ऐसे ट्रिप हर महीने लगते रहेंगे क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं और मज़ा भी ले रहे हैं। सो एंजॉय द ट्रिप, एंजॉय द वेदर। मतलब वेदर भी बहुत ही अच्छा हो गया। अभी देखें चारों तरफ बादल है, अभी धूप आ गई है, बट अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल बादल थे और एकदम मस्त वाला मौसम है। सनसेट भी अभी दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद हमें पहाड़ों के बीच में सनसेट देखने को मिलने वाला है। क्या बात है, पहाड़ों के बीच में सनसेट। यस सर। अरे वाह, तो अभी और बहुत सारे राज हैं जो उदयपुर के खुलने वाले हैं। सुपर, तो चलिए चलते हैं आगे। ये तो उससे बड़ी है, पिचोला से है ना। मैंने सोचा वही लेक सबसे बड़ी है यहाँ पे। ये बड़ी है फतेह सागर। इतना पानी आता कहाँ से? बारिश का है? अभी तो बिल्कुल पानी नहीं था, भर गया ये, बारिश हुई ना बीच में। हाँ, भर गया ही पूरा वो एफएस की मेन। ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे श्रीनगर में है ना वो। हाँ। डल लेक है ना, वैसी फील आ रही है ना। हाँ। बट वो इतनी ऐसे नहीं लगता, सागर की तरह लग रहा है। फतेह सागर सही नाम है इसका। जन्नत में ले आए मुझे आगनी आनी है। भाई साहब ऐसे लग रहे हैं मनाली पहुंच गए। कहां ले आए? ओ भाई गॉड, अरे वाह, यहाँ तो महल ही बना हुआ है। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है यार। मतलब उदयपुर में इतनी लेक पानी कहाँ से आया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये बड़ी तालाब है। हैं? बड़ी तालाब। हाँ मतलब तालाब तो है, मतलब आया कहाँ से ये पानी? क्योंकि यहाँ तो कोई वो भी नहीं है कि क्या बोलते हैं उसको, पानी का सोर्स। यार हम कहाँ पहुँच गए हैं, देखो यार अल्टीमेट नज़ारा यार, अल्टीमेट। बहुत ही सुंदर सी लेक है, इसको बोलते हैं बड़ी तालाब, और ये बहुत ही बड़ा है रियली में। सच में यार बहुत ही सुंदर नज़ारा है और मैं दोबारा फिर आना चाहूँगा। और क्या बताऊँ यार, मतलब अभी सनसेट होने वाला है और सनसेट बहुत ही शानदार होगा यहाँ से। और ये जो लेक है ये बहुत बड़ी है, मतलब पीछे भी देखेंगे आप तो पीछे दूर तक आपके देखना पड़ेगा, मतलब बहुत दूर तक है। और बिल्कुल शांति है यहाँ पे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। और यहाँ पे देखो तो पूरा यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है।
बड़ी तालाब पे हम मज़े ले रहे हैं। ये चनों का, ये जो राजस्थान है ये मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जो राजस्थान हमने एक्सप्लोर किया है जैसे जैसलमेर वगैरह, वो बिल्कुल बहुत ही अलग है। और यहाँ पर आने के बाद आपको, अगर आप इस मौसम में आते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आते हैं, तो एकदम फील जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट वाली है। और पीछे जो वैली है, मतलब दूर तक मुझे दिख रही है वो, पीछे देखिए आप वहाँ पर। अगर मौका लगा तो नेक्स्ट टाइम वहाँ तक ज़रूर जाके आएंगे क्या। तो अभी यहाँ पे चने का मज़ा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। सो अभी पैदल चल रहा हूँ क्योंकि जो लविश है उसका हेलमेट कैफ़े में रह गया था, तो वो लेने गया। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, तो अभी बस लेके आ रहा हूँ। यार अभी जिस कैफ़े में हमने कॉफ़ी पी, इल्यूशन के नाम से कैफ़े था और बहुत ही अच्छा कैफ़े है। तो अगर आप इस बड़ी तालाब के पास आ रहे हैं, थोड़ा सा आप चलेंगे आगे लगभग आधा किलोमीटर, तो आपको ये कैफ़े दिख जाएगा और बहुत ही अच्छा कैफ़े है। तो आप यहाँ तक आ रहे हैं तो कैफ़े ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ ज़्यादा शूट तो नहीं किया मैंने, बट जो भी शूट किया वो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और मास्क इसलिए लगा रखा है कि डर लगता है भाई चलान का। सो आज की जो जर्नी है वो यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल ट्रैवल मोर ड्रीमर एंड फाइंड योर पर्पस ऑलवेज़।